सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। इस्माइल पाशा ने डब्बे को बंद करने से पहले उस शख्स के टिकट का मुआयना किया था। वो आदमी अंदर तन्हा मरा है। अगर वो मेरे डिब्बे से अखबार ले गया तो क्या हुआ? मैंने इस लड़की को मर्दाना लिबास में सुल्ताने मौसम की खुसूसी अराजी में घुड़सवारी करते हुए पकड़ा है। मैं अभी कारखाना नहीं बेच सकता, मुझे इक्तसादी कमेटी से मशवरा करना होगा। ये सिर्फ एक माली तदबीर है। आपको बाहर मर्दाना बहस में पाया गया है। सुल्ताने मौसम ने फरमाया कि वो इस मामले से बाखबर है, इसमें कोई कबात नहीं है। आरतीन नाम है, फर्नांडिस के कारखाने का सरबरा है और इंजीनियर भी है। उसको मारने से आपका काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। इस घड़ी के रुकने से पहले आरतीन मर जाएगा। जासूसों को मुत्तल कीजिए कि आरतीन साहब की हिफाजत की जाए। बहुत बेहतर सुल्तान मौसम। इंजीनियर आरतीन और इनके मातहत कारकुन फौरी तौर पर अपने काम पर हाजिर होने के पाबंद है और यही ऐवान का फैसला है। हमें नया कारखाना कायम करने के लिए इंजीनियर आरतीन की हिफाजत करनी होगी। वो इस वक्त फर्नांडिस के कारखाने में इंजीनियरों के सरबरा हैं। हम इस खंजर की आपको दुगनी कीमत अता करेंगे। ले, ये सब ले लें और खंजर हमें दे दें। नहीं, मैं आपको गमजदा नहीं करना चाहती शहजादे, लेकिन मैं बिदार सुल्तान से झूठ बोलने की वजह से बहुत बेकरार हो रही हूँ। पाशा, हमारे कातिब जवाद साहब ने कहा है कि वो सुल्ताने मौजम से अहम मसले पे बात करना चाहते हैं। ये शायद पाशा हजरत के बारे में है। वो रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? कौन हो तुम? बगैर इजाजत अंदर कैसे आए? मुझे माफ कर दें जनाब, मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, आप बैठ सकते हैं। फरमाए जनाब, हम आखिर आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं? मुझे उन जहाजों की फहरिस्त चाहिए जो पिछले हफ्ते नहर सुएज से गुजरे। जी बेहतर जनाब। मेहमत जी, कहिए, उन जहाजों की फहरिस्त लेकर आओ जो नहर सुएज से गुजरे थे। ये कौन है? एक कत्ल की तहकीकात की जा रही है। ये तस्वीरें मकतूल की हैं। तहकीक कर रहे हैं जासूस, वो ये हमें देकर गए थे। मैं कोई नतीजा नहीं निकाल सका। जब ये अपनी बोगी में अकेला था तो मुर्दा हालत में पाया गया, जबकि इसके चारों तरफ जासूस थे। हम इसे हल नहीं कर सके। जहरीली स्याही से अखबार छापा गया था। लोगों की आदत होती है कि वो सफा पलटते हुए जबान पर उंगली लगाते हैं। जब इसने सफा पलटा तो यकीनन जहर चाटा होगा। हाँ वाकई ऐसा हो सकता है। अगर मेरी तरक्की हो जाती है तो मैं आपको दावा दूंगा अशरफ अजीज साहब।
मैं क्या बात कर रहा हूं, महल के जासूस होने से पहले ही हल कर लिया होगा। ये ले जनाब, जहाजों की फेरिस जो गुजश्ता हफ्ते नहरे सुई से गुजरे थे। यही ढूंढ रहा था मैं। मैं एतराफ करूंगा, मैं कसम खाता हूं कि मैं एतराफ करूंगा। काश कि आपने मुझे बताया होता कि यहाँ अशरफ अजीज मौजूद हैं, तो उसी वक्त एतराफ कर लेता मैं। सुनार की दुकान में धमाका मैंने किया, आपने इन्हें बिला वजह यहाँ आने की जहमत दी। क्या आप जानते हैं इसको? नहीं। क्या बात है जवाद साहब, सुना है कोई अहम खबर आपके पास? ये दुरुस्त है पाशा, जिस पाशा की तलाश है खबर उसके बारे में है। कौन है वो पाशा जिसे सुल्तान मौजम ढूंढ रहे हैं? माफ कीजिएगा पाशा, मैं सिर्फ सुल्तान मौजम का बताऊंगा, बस आप उनसे मिलवा दें। पाशा हजरत मुसिन नागंत, रूसी राइफल। उस्मान गाजी ने ब्लेविन के मुहासरे में रूसियों को तेजी से चलने वाली विंचेस्टर के जरिए रोका, तो रूसियों को जदीद असलहे की जरूरत महसूस हुई। रूसियों ने फिनलैंड के साथ मिलकर यह हथियार तैयार किया। दूर से निशाना लेने वाली यह बंदूक 750 मीटर तक मौसर है। इसमें 5 गोलियां इस्तेमाल होती हैं। रूसियों ने यह हथियार 13 साल में बनाया। हमने इस हथियार का जायजा लिया है, अगर आप चाहें तो इसको मुआयना कर सकते हैं। आप एक साथ 4 गोलियां चलाएंगे, उठा लीजिए। तैयार, निशाना। गोलियों के खोल जमा कर लीजिए पाशा हजरत। महमूद पाशा, क्या आप भी मश्क करना पसंद करेंगे? लेकिन पाशा, अगर मैं इस हाल में तजर्बा करूंगा तो 2 मीटर पीछे चला जाऊंगा। शुक्रिया। क्या कहेंगे आप अहमद जलालुद्दीन पाशा? सुल्तान मौज़म, ट्रिगर का वजन और ट्रिगर के गिरने का फासला बहुत उम्दा है। ये एक जबरदस्त हथियार है। ये 1 मिनट में 16 बार इस्तेमाल की जा सकती है पाशा। ठीक है, हम इस हथियार का मजीद मुआयना करेंगे। सुल्तान मौज़म, सुल्तान मौसम, कातिब जवाद साहब का कहना है कि वो उस पाशा को जानते हैं जिसकी हमें तलाश है। मैं उसे एक कमरे में बिठा कर आया हूँ, एक सिपाही की निगरानी में। वो हमारा मुंतजर है। चलिए। कातिब ने बताया है कि वो उस पाशा को जानता है जिसने रेलगाड़ी में उस शख्स को मारा था। फिर उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया? सुल्तान मौसम वो किसी और पर एतबार नहीं करता। तो फिर इस मामले को हल करते हैं पाशा। जवाद साहब कहां चले गए? वो यहां है पाशा, यहां। इस तारीख पर आने वाले मुसाफिरों की फहरिस्त चाहिए।
जनाब आप हैं कौन? मैं आपको फहरिस्त नहीं दे सकता। एक अहम मामले के लिए इसकी जरूरत है। जनाब ये मेरा काम नहीं है, मेहरबानी करें और जाएं। क्या हो रहा है? जनाब ये मुसाफिरों की फहरिस्त चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं दे सकता। तुम कौन हो? मैं इस कंपनी का खसूसी हिफाजती अफसर हूँ। और तुमने उसकी बात सुनी? बाहर निकल जाओ आप। ये क्या है? ना तुम सिपाही हो ना ही जासूस हो, इसकी कोई अहमियत नहीं है। फिर मैं अपनी दूसरी शनाख्त दिखाता हूँ। जनाब अशरफ अजीज, रुको। शुक्रिया वहाब। कोई बात नहीं, रुको, रुक जाओ। अशरफ अजीज साहब कोई अजनबी नहीं है, इसे तबीब के पास ले जाओ। तुम लोग भी जाओ। जाओ। ये सारे तुम्हारे आदमी हैं? यही समझ लें। वहाब साहब, हम अपनी हिफाजत के लिए आपको अदायगी करते हैं। पहले ये बताओ कि अशरफ अजीज साहब को क्या काम है, बोलो। खास वक्त पर आने वाले मुसाफिरों की फहरिस्त चाहते हैं। आपको किस वक्त की फहरिस्त चाहिए? इसकी मेज पर मौजूद कागज पर लिखा है, जाकर देखो। जो ये मांग रहे हैं दे दो इन्हें। लेकिन वहाब साहब, कौन सी हवा यहां ले आई आपको? सहराई तूफान। बहरहाल तुम फहरिस्त ले लेना, मैं जरा ताजा दम होना चाहता हूं, चाचा के पास इंतजार करूंगा। जब दरवाजे पर पहरेदार थे तो कत्ल कैसे हो गया? खिड़की से पाशा, एक गोली खिड़की से लगी। तफ्तीश शुरू हो गई पाशा। सुल्तान मौसम, हमारे तबीबों ने ऑपरेशन करके गोली तो निकाल दी है, अब उस गोली की साख्त हमें बंदूक की साख्त तक ले जाएगी। जब वो शख्स मारा गया था तो सलीम पाशा और अहमद पाशा हमारे साथ थे सुल्तान मौसम, लेकिन इस्माइल पाशा नहीं थे। तहसीन पाशा, पाशा हजरत सलानिक में जिन जगहों पर गए थे उनकी मालूमात मौसूल हुई? जी नहीं सुल्तान मौसम। ये एक सख्त फैसला है, बहुत मुश्किल। हमने एक शख्स के पीछे अपने तीन पाशा भेजे, लेकिन फिर भी वो कत्ल हो गया। पाशा हजरत जिस शहर में गए वहां अहम इजलास मुनक्किद हुआ और हमारे खुफिया कारखानों का राज फाश हो गया। एक कातिब ने कुछ बताना चाहा और वो भी हलाक हो गया। हम किस पर इतिमाद करें? ये कैसा वक्त आ गया है, कैसी मुश्किल आजमाइश की घड़ी है। तीनों पाशा महल में हमारे मेहमान होंगे। सुल्तान मौजम, क्या पाशा हजरात को गिरफ्तार करेंगे? नहीं, वो सिर्फ महल में हमारे साथ होंगे। आपका क्या मनसूबा सुल्तान मौसम? मैंने ये फहरिस्त उस आदमी को तलाश करने के लिए ली है जो अकाबा में होने वाले धमाकों का जिम्मेदार है, और वो जिसने मेरे बेटे को जहर दिया
उसका नाम मुर्दानियन है। क्या आप उस आदमी को जानते हैं चाचा? नहीं, लेकिन अगर मैं पैगाम भेजूं तो उसका पता मालूम हो जाएगा। नहीं चाचा, ये इतना आसान नहीं। रुके, मैं समझाता हूं आप दोनों को। ये कुस्तुनतुनिया कंपनी जो हमारी अफवाज की पाबंद समझी जाती है, दरअसल उसके बारे में तमाम अफाल और नामों का हिसाब किताब जकरियान करता है। इस वक्त पाए तख्त में जितने भी मुजरिम मौजूद हैं और दहशतगर्दी में मुलविस जितने भी आर्मीनी हैं, ये कंपनी उन सब की माली मुआवनत करती है। और ये जो मुर्दानियान नाम है, बस ये एक फर्जी नाम है अजीज साहब। ये तमाम मुशतबा अफराद को मुर्दानियान ही कहकर पुकारते हैं। उनके असल नाम दस्तावेज में दर्ज नहीं है, उन्हें सिर्फ जकरियान जानता है, यानी सिर्फ उसी को मालूम है कि इस फहरिस्त में मौजूद लोग असल में कौन हैं और क्या करते हैं। यानी आर्मीनी गद्दार दहशतगर्द पहाड़ों से शहर में उतर आए हैं, क्या यही बात है? बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। हम उनका किताबचा देखेंगे और उनका मुकद्दर बदल देंगे, लेकिन इस बार टूटे हुए कलम से। टूटा हुआ कलम? जब मैं कलम तोड़ना शुरू करूंगा तो समझ जाओगे वहाब, जकरियान को कहां ढूंढ सकते हैं हम। वहाब के साथ जाओ, वो जानता है। चाचा, अगर उन्हें मालूम हो गया कि मैंने कंपनी में क्या कुछ किया है और ये फहरिस्त में हाथ में लेकर जकरियान के पास गया और पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो वो मुझे अच्छी तरह निशाना बनाएंगे। अच्छा, तुम कब से उनके निशाने से हटे हो? वो जिसे चाहते हैं दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं, और तुम्हें भी अपने साथ रखकर कभी एक तरफ खींचते हैं तो कभी दूसरी तरफ। तो ये काम करो, तुम मेरा सलाम ले जाना अजीज। आ गए तुम? क्या हुआ, जो घड़ी मैंने दी थी रुक गई? चल रही है अभी। तो फिर? उसके ना रुकने की एक वजह है। याद है ना, हमने 3 दिन में उसे निमटाना था। हम उसे नहीं मारेंगे। फिर कौन मारेगा? अशरफ अजीज। अशरफ अजीज यहां पर क्या कर रहा है? उसने हमें ढूंढ लिया है, फिक्र मत करें आप। एक जाल बिछाया है मैंने। मुझे अपनी घड़ी दो। देखो, हम अब्दुल हमीद को मारने के लिए निकले हैं। अगर ये घड़ी बंद होने तक अशरफ अजीज हमारे रास्ते से नहीं हटा तो ये घड़ी तुम्हारे लिए रुक जाएगी। मुकाबला करना चाहते हैं? यानी आप हमें ललकार रही हैं? आप माजी में भी इसी तरह बहादुर थीं। जो चीज माजी से मुख्तलिफ है वो ये है कि अब हम ज्यादा तजुर्बेकार हो गए हैं। क्या आपको वाकई लगता है आप हमें हरा सकती हैं? अगर जीत गए तो आप हमें अपना तीर कमान बतौर तोहफा देंगे। कबूल है। और अगर हम जीत गए तो? और अगर आप जीत जाते हैं तो हम आपको एक बहुत अहम राज बताएंगे जो यकीनन आपकी दिलचस्पी का बाइस होगा। हमें तजस्सुस हो रहा है, तो फिर ठीक है, शुरू करें। हम याहिया चाचा की बहुत इज्जत करते हैं, हम उनकी बात को कभी मुस्तरद नहीं कर सकते। क्योंकि वो लोग जिन्होंने याहिया चाचा की बात से इनकार किया वो मार दिए गए। अब भी ऐसा ही है। आप जिसे तलाश कर रहे हैं वो इंजीनियर आर्तिन है, उसी का नाम मुर्दानिया के नाम से दर्ज किया गया है।
उसका पता क्या है? हसकोई में, अगोप के कैवा खाने के पीछे वाली गली में। ठीक है, शुक्रिया। यही है, चाचा को सलाम कहिएगा। बहुत खूब, ये मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा आसान था। जिंदान से कोई पैगाम आया? हाँ बिल्कुल आया है, वो शिकार का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। फातिमा सुल्तान, हमें कुछ जरूरी काम है इसलिए हमें जाना होगा। हम बजाते खुद हार मानते हैं, आप जीत गईं। ये आपका हुआ। ये अदल नहीं है। अगर हम बराबरी पर खत्म करें तो हमें भी आपको इनाम देना होगा। हम उस रास के बारे में मुतजस्सिस हैं। अब से हर कदम पर आप मोहतात रहिएगा, एक मुहाफिज आपका ताकुब कर रहा है। रात हो जाए बस, इसकी धड़ को सर पर गोली मारूंगा। हम उसे जाकर क्यों नहीं कह सकते कि हम उसकी हिफाजत करेंगे? क्या अब हम हर रात चलते आदमी की हिफाजत करेंगे? नहीं आसिफ, उसे परेशान करने की कोई वजह नहीं है, हमारे लिए यही हुक्म है। सुल्ताने मौज़्ज़म, पाशा। पाशा, सैलानिक में पाशा हजरत ने जिन मकामात की निशानदही की थी उनसे मुतालिक तफसीलात ये हैं। अहमद पाशा और सलीम पाशा ने सच कहा है, लेकिन लेकिन इस्माइल पाशा, इस्माइल पाशा के दावे के मुताबिक उस सराय में कोई जूते बनाने वाले नहीं थे। सराय खाना खाली था और उसे एक तवील अरसे पहले बंद कर दिया गया था। सुल्तान मौज़्ज़म, इस्माइल पाशा ने झूठ क्यों कहा? हो सकता है कि इजलास में शामिल होने वाले पाशा वही हों। सुल्तान मौज़्ज़म, मुआवजा चाहता हूं, मगर एक मंसूबा तश्कील दिया गया, इसमें एक शख्स को देखा गया, लेकिन जिस आदमी को हमने देखा वो एक मोहरा था, लेकिन असल आदमी ने कत्ल कर दिया, फिर वो दूसरे पाशा हजरत से अलग हो गया। जब पाशा हजरत मैसन वालों को तलाश कर रहे थे तो वो इजलास में शामिल हो गया। सुल्तान मौज़्ज़म, अगर हम सोचते हैं कि मुराद साहब ने अपने जानशीन के तौर पर किसे मुंतखब किया होगा, वो कौन हो सकता है, वो किस पर ज्यादा एतमाद कर सकते हैं, तो वो उनके भाई जुल्फ़लु इस्माइल पाशा है। आपने हम पर पहरा लगा रखा है, क्या ताकुब करवा रही है हमारा? अब्दुल कादिर, क्या आप हम पर भी शक करती हैं? अपने बेटे पर वालिदा? पुरसकून हो जाए, बैठकर बात करते हैं। हमने पहले इस पर यकीन नहीं किया था, लेकिन ये तो सच है। हम सिर्फ एहतियात बरत रहे थे। वालिदा किसके खिलाफ एहतियात बरत रही थी? आप किसके खिलाफ?
हमें यकीन नहीं आ रहा। क्या आप जानती है कि आप ख्वाबों की दुनिया में रहती है? अब्दुल कादिर, हमें रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। हर शख्स वालिदा की सूरत हाल को जानता है। तो क्या सूरत हाल है हमारी? आप दीवानों की तरह पेश आ रही है वालिदा। किसी से भी हमारा ताकुब मत करवाइएगा। इस वक्त वो नाराज है वालिदा, ध्यान मत दीजिए आप। उन्हें कैसे मालूम हम उनका ताकुब करवा रहे हैं? हमने अभी मुहाफिज को ये बात कही थी, उन्हें कैसे मालूम हुई? अब्दुल कादिर जब भी महल से निकलेंगे आप उनका ताकुब करेंगे। आप हमें हर बात की खबर देंगे कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और किससे मिलते हैं। जो आपका हुक्म सुल्ताना। हम चाहते हैं कि आप साई की तरह उनकी पैरवी करें, लेकिन आप ये काम उनकी नजर में आए बगैर करेंगे। होशियार रहिएगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेदार सुल्तान किसी से गुफ्तगू कर रही हैं, इसलिए हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आलिया, जब आप मुहाफिज से बात कर रही थी तो आलिया सुन रही थी। अब्दुल कादिर को उन्होंने ही बताया होगा। सुल्ताने मौज़म, जब कातिब को हलाक किया गया तो इस्माइल पाशा आसपास नहीं थे। और इस्माइल पाशा जहां गए थे उसके बारे में भी झूठ बोल रहे हैं। ये सूरत हाल मशकूक है। लेकिन तहसीन पाशा, सूरत हाल कितनी भी मशकूक क्यों ना हो, उसे जाहिर होता है कि इस्माइल पाशा मैसन इजलास में शरीक हुए थे। महमूद पाशा ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जानने का एक ही रास्ता है। वो क्या है सुल्तान मौसम? हम मैसन तंजीम को दोबारा इजलास करने पर मजबूर करेंगे। हम पाशा हजरात को चंद अहम मालूमात देंगे और इस दौरान जुल्फुल इस्माइल पाशा हमारे मेहमान होंगे। अगर वो मालूमात मैसन इजलास तक पहुंच जाती हैं तो हम जान जाएंगे कि जुल्फुल इस्माइल पाशा मासूम है। सुल्तान मौज़म, वो कौन सी अहम मालूमात है? मैसन नहीं चाहते कि हम कारखाना खरीदें पाशा। हमारे पास फर्नांडिस के खिलाफ तुर्क का एक पत्ता है। महसूल का मामला। तहसीन पाशा आपको महसूल के इस मामले की वजाहत करेंगे और आप इस अहम मालूमात को दूसरे पाशा हजरात तक पहुंचाएंगे। जुल्फुल इस्माइल पाशा को महल के एक कमरे में रखा जाएगा, बाकी सब आजाद होंगे। जो हुक्म सुल्ताने मौसम। लेकिन सुल्ताने मौसम, अगर मैसन फर्नांडिस को खबर भेजें तो? अगर उसने एहतियाती तदबीर इख्तियार की, हम समझ जाएंगे कि वो पाशा जुल्फुल इस्माइल पाशा नहीं है। सुल्ताने मौसम, माफ कीजिएगा, अगर मैसन को फर्नांडिस के बारे में मालूम होता है तो क्या वो उसे रकम नहीं देंगे? उनके पास अगर इतनी रकम होती तो वो अब तक कारखाना खरीद कर फर्नांडिस को बचा चुके होते। लेकिन कारखाने से ज्यादा अहम मामला हमारे लिए गद्दार पाशा का है। साहब, मेरी बात सुनिए, आप घूमकर अतराफ का जायजा लें, हम दोनों बाग की निगरानी करते हैं। कोई गड़बड़ है,
यकीनन इस मसले के पीछे कोई ना कोई जाल बिछाया गया है। औरतें, ये आवाजें कैसी हैं? मुझे नहीं मालूम। तुम? मैं यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूँ। जो लोग तुम्हें मारने आए थे वो बाहर पड़े हुए हैं। देखो मैं पर्दे की वजह से अंदर नहीं आ रहा। चलो अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर यहाँ से चलो और अपना सामान भी साथ ले लो। ठीक है, हम तैयार होके आते हैं। बाहर इंतजार कर रहा हूँ मैं। हमारी जान बचाओ खुदा के लिए। तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, समझ गए? आगे चलो। खुलिए बेटा, खुलिए खुलिए खुलिए। पाशा हजरत, पाशा हजरत, पाशा हजरत, मैं आपके लिए बहुत ही अहम खबर लाया हूं पाशा हजरत। बस रोक दीजिए, आप बाहर जाकर इंतजार कीजिए बेटा। पाशा हजरत, वो जो फर्नांडिस साहब है ना, उन्हें सुल्तान मौजम ने महसूल के मामले में घेर लिया है। कुछ साल पहले उन्होंने कुछ रियायत ली थी, लेकिन वो रियायत एक तवील अरसा पहले ही खत्म हो चुकी है। इस वजह से उनके जिम्मे अच्छा खासा महसूल वाजिबुल अदा है। अब उस वाजिबुल अदा महसूल की बुनियाद पर फर्नांडिस साहब को मजबूरन अपना कारखाना फरोख्त करना पड़ेगा। जी हाँ, ओह राफेल फर्नांडिस, तुम अभी हमारे सुल्तान मौजम के तदब्बुर को नहीं जानते। आइए तहसीन पाशा, आइए। मैं पाशा हजरात को ये बता रहा था कि कैसे सुल्तान मौजम ने उस फर्नांडिस साहब को जेर किया है। अस्सलाम वालेकुम पाशा हजरात। वालेकुम अस्सलाम। इस्माइल पाशा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, अगर जहमत ना हो तो मेरे साथ आइए। जी जरूर, जाइए पाशा। पाशा हजरत, हम अपने मौजू पर वापस आते हैं। इस्माइल पाशा, आप और दीगर पाशा हजरत सैलानिक में जहां गए थे वहां की तहकीक की गई है। मालूम है मुझे। आपने हमें बताया कि जहां आप गए थे वहां जूते बनाने वाले मौजूद थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है पाशा। लेकिन वहां तो हमें जूते बनाने वालों का कोई भी सुराग नहीं मिला, आपने ऐसा क्यों कहा? ये कैसे हो सकता है पाशा, वहां एक नहीं बल्कि बहुत सारे जूते बनाने वाले थे। इस्माइल पाशा, हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर सोच लीजिए। हो सकता है आपको याद करने में दुश्वारी हो रही हो, एक बार और सोच लीजिए। लेकिन इस दौरान आप महल में हमारे मेहमान बनकर रहेंगे, ये सुल्तान मौजम का हुक्म है। बिदार सुल्तान, अच्छा हुआ आप यहाँ तशरीफ लाईं। हम अकेले थे, आपसे बात करकर अच्छा महसूस करेंगे। हम आपको सोहबत देने नहीं आए। अब्दुल कादिर को आपने बताया कि उनका ताकुब किया जा रहा है? वो अहमद पाशा नामी शख्स खुद को समझता क्या है? बाबा का खंजर देने से कैसे इनकार कर सकता है? आपकी उनसे मुलाकात महज एक इत्तेफाक है। हमारे ख्याल में ये इत्तेफाक नहीं है आलिया। फिर क्या है? बीदार सुल्तान हमारा ताकुब करवा रही है। उन्होंने अहमद पाशा को निगरानी पर लगाया है। जैसे अब्दुल कादिर के साथ उन्होंने किया। क्या
बीदार सुल्तान को एक मुहाफिज से बात करते सुना हमने। अब्दुल कादिर का ताकुब करने का हुक्म दिया था उन्होंने उसे, और उसे तंबीह की कि अब्दुल कादिर को पता ना चले। उस खातून को ना सिर्फ हम पर बल्कि अपनी औलाद पर भी भरोसा नहीं है। हमने उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। इनकार मत कीजिए, कोई फायदा नहीं। हमारा यकीन करें, उनसे तो हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। ठीक है, अगर आपने नहीं बताया तो फिर अब्दुल कादिर को किसने बताया है? हमने बताया है, क्योंकि उन्हें यह जानने का हक है। आप हमारे बच्चों के साथ हमारे मुआमलात में कैसे मुदाखलत कर सकती हैं? आपको इस बात का एहसास भी है कि आपके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। फातिमा चुप हो जाए, बीदार सुल्तान यकीनन अपने बच्चों की बेहतरी ही चाहेंगी। इस मामले में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, हम सिर्फ उनकी हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि अतराफ में मौजूद हर शख्स पर अपना हुक्म चलाना चाहती हैं, गुलाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। हमारी हर तदबीर के पीछे सिर्फ एक कोशिश है कि कोई भी रियासत और सुल्तान मौजम को नुकसान न पहुंचाए, और इसे रोकने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करते रहेंगे। आपकी की गई गुफ्तगु या अब्दुल कादिर, कोई भी हमें ऐसा करने से नहीं रोक सकता। मुझे बताइए इंजीनियर साहब, आपके दरवाजे पर मौजूद उन जासूसों का आपसे क्या ताल्लुक है? जासूस? क्या जासूस मुझे मारना चाहते थे? ये तो आप बताएंगे हमें। मैंने ये महसूस किया कि वो जासूस थे, और अगर वो आपकी हिफाजत पर मामूर थे तो वो आपके दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो तीन लोग एक शख्स से नहीं निमट सके, बआसानी हार गए मुझसे, इसलिए आपको यहां ले आया मैं। अब बताइए आप। मैं फर्नांडस रेलवे कारखाने का सबसे तजुर्बेकार इंजीनियर हूँ, और कारकुन तंजीम का सरबराह भी हूँ। मैं सुल्तान अब्दुल हमीद का वफादार हूँ। ये सभी जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम कारखानों को धमाके से उड़ा दिया गया है। इसके बाद हमारी हुकूमत ने उस कारखाने को ख़रीदने की पेशकश की जहाँ पर मैं काम करता हूँ, लेकिन हमारी कंपनी ने इस पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया। हमें यकीन है कि हमारी कंपनी ने ये सब जानबूझकर किया है, इसलिए हम सब कारकुनों ने मिलकर हड़ताल कर दी। अगर इस मुल्क में रहते हुए कोई रियासत की मदद ना करे तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे। कारखाने की इंतजामिया इसीलिए हमें तीन अफराद के ऐवान में ले जाना चाहती थी। तीन अफराद का ऐवान? जी, शायद आप जानते हों इस ऐवान का काम पाया तख्त में इंसाफ कायम करना है, क्योंकि वो मुनसिफाना फैसले करते हैं। हमारे मुलाजिम दोस्तों ने कहा कि हम अपने हक पर यकीन रखते हुए वहां चले जाएं। हम जानते थे कि ऐवान का फैसला एक हुक्म की हैसियत रखता है, और कारखाने की इंतजामिया को हमारी बात सुननी पड़ेगी। कारखाने को दोबारा काम शुरू करना पड़ेगा। काश कि हम ना गए होते। क्यों, क्या हुआ? तमाम मुनसिफाना फैसले तो अब माजी की कहानी बन चुके हैं। हमें इस बात का एहसास उस वक्त हुआ जब उन्होंने हमारे खिलाफ फैसला सुनाया, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे जो भी हो जाए, हम अपने मुल्क की खातिर कुछ भी करेंगे, क्योंकि रियासत है तो हम हैं, अगर रियासत नहीं तो हम भी नहीं। मैंने अपने कारकुनों को कहा कि फैसला हमारे खिलाफ हुआ है, लेकिन हम काम शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि मैं फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहा हूं, शायद इसलिए मुझे कत्ल कर दिया जाए। अब जो भी होना है हो जाए, शायद मेरी मौत से रियासत में शोर उठे और जालिमों को रोक दिया जाए। मैं यही चाहता हूं। मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। अब आप आराम कीजिए, आप कुछ अरसा यहीं रहेंगे, इस दौरान मैं इस मामले को हल करता हूं। यहां कोई भी आपको या फिर आपके खानदान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन आप किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। कलम तोड़ने के लिए एक आदमी की तलाश में था, उन्होंने मुझे टूटे हुए कलम वाला आदमी दे दिया है, और सबसे बढ़कर यह कि रियासत इसकी हिफाजत कर रही है। यह मुअम्मा मेरी समझ में नहीं आया। ये वहाब का ठिकाना कहां है चाचा? जनाब, ये जाय वारदात पर अशरफ अजीज की तस्वीर है।
अशरफ अजीज मामला समझ गया है, उसने उन्हें नहीं मारा। फिर भी ये तस्वीर हमारे काम आएंगी, इनकी मदद से हम उसके लिए जाल बिछाएंगे, हड़ताल का मामला भी हल कर लेंगे। कारकुनान में तकसीम कर दो इन्हें, कहना बात नहीं मानी तो यही हाल होगा। फौरन तकसीम करो इन्हें। जी हुकुम जनाब। बताओ मुझे, सदर इंजीनियर आर्तन का क्या मसला है? पहले आप बताएं, आप किस कदर जानते हैं? ऐवान में किए गए फैसले समेत सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। क्या तुमने ये काम या चचा के निजाम के पैमाने को गिराकर शुरू किया है वहाब? तुम्हारी मौजूदगी में ऐवान में ऐसा फैसला किया गया, और जब तुम अपनी राय दे रहे थे तो तुम्हें रियासत के खिलाफ फैसला सुनाते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मसला वैसा नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। वैसे भी मेरी राय की कोई अहमियत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाता फैसला उसके खिलाफ ही होता। चाहे जो भी हो वहाब, तुम्हें बुजदिली नहीं दिखानी चाहिए थी। तुमसे बेहतर तो वो चिड़िया थी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए अपनी चोंच में पानी लेकर आई थी। देखिए अजीज साहब, ना तो मैं वो चिड़िया हूं और ना वो इंसान आग में गिरा इब्राहिम है। उस ऐवान के खिलाफ जाना किसी के लिए भी अच्छा साबित नहीं होता। अगर उन्हें रद्द करता तो सब कुछ खो देता मैं। जो कुछ मेरे पास है मैं उसकी हिफाजत सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं करता, चाचा की सौंपी गई अमानत के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहता मैं। वो लोग कौन है वहाब? तताव लाली और जकरियान। जकरियान से तो मिला था मैं, तताव लाली कौन है? वो जकरियान का सरपरस्त है। असल में इन दोनों का सरपरस्त कोई और शख्स है, उस तक नहीं पहुंच सका मैं। उसे ऐवान में आए 3 महीने हुए हैं। वो कैसे आया? अपने सरपरस्त को खत्म करके। ये तताव लाली शख्स एक बहुत अहम वसीयत के साथ आया है, लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं। उसका एक सरपरस्त है चाफचाफ थेजे। ये चाफचाफ थेजे नामी शख्स ऐवान की दस्तावेज का मुहाफिज था। उसके पास एक रोजनामचा था, यहां पाए तख्त में कौन किसका मकरूज है और कर्ज देने वाले की तमाम तफसीलात सब रोजनामचे में दर्ज थी। वो एक ऐसा रोजनामचा है कि अगर वो गुम हो जाए तो आप दोबारा कभी पाया तख्त में किसी पर काबू नहीं पा सकेंगे। तताव लाली उस रोजनामची की बदौलत इस मकाम पर आया है। हम नहीं जानते थे वो रोजनामचा कहाँ है। थेजे की मौत के बाद वो रोजनामचा लेकर आया तो हमें लगा अपनी रजामंदी से दिया होगा, वो वसीयत का मुकाम रखता है। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। थेजे एक शरीफ इंसान था, लेकिन तताव लाली ऐसा नहीं है, हर गलत काम में मुलव्वस है। मैं भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मजबूरन बर्दाश्त कर रहा हूँ। तताव लाली को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है, यह मैं कर सकता हूँ। लेकिन वो मर गया तो रोजनामचा भी गुम हो जाएगा और फिर पाया तख्त में इंतशार फैलेगा, सब बिखर जाएगा। और कौन किसका कितना मकरूज है और कौन झूठा दावा कर रहा है, इसका कोई सबूत नहीं होगा। क्या आर्तन का कलम तताव लाली ने तोड़ा है? ऐसा ही है, लेकिन जकरियान उसे मरवाना चाहता है। वैसे भी अब तक वो मर चुका होगा। तो नहीं मर, मेरी बात मानेगा तो कुछ अरसा जिंदा रहेगा, कम अज कम ऐवान वालों के हाथों नहीं मरेगा। आप मुझे एक भी ऐसा आदमी जिंदा नहीं दिखा सकते जिसकी मौत का फैसला ऐवान ने कर दिया हो। मैं दिखा रहा हूँ वहाब, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो अपने खानदान के साथ चाचा के घर पे महफूज है। अब्दुल हमीद ने यह तय कर लिया है कि वो फर्नांडिस से महसूल की फौरी अदायगी का सख्त मुतालबा करेगा, जबकि फर्नांडिस इसका मुतहमिल नहीं हो सकता। इस्माइल पाशा फरार हो गए हैं। तो क्या महसन इजलास में इस्माइल पाशा ने शिरकत की थी? हमारे सबर का पैमाना अभी लबरेज नहीं हुआ, लेकिन किसी में वफादारी का एक जर्रा भी नहीं रहा। हमारी बहन का दिल ही चलना बंद हो गया, इनकी नब्ज रुक गई। आलिया आंखें खोलिए, आलिया ऐसे हमें छोड़ के मत जाइए। राहदारी में आप ये अपने महसूल की अदायगी की सनद गिराए थे। उस शख्स के हाथ में जो अखबार था वो जहर आलू था, उसे वो अखबार कहां से मिला, किसने दिया?
अहमद पाशा। अहमद पाशा, जी हाँ, अहमद पाशा।